नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, मैंने 3 दिन पहले मॉर्निंग इरेक्शन टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था। आज का ये वीडियो उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रहा है तो उसके समाधान के लिए आपको क्या करना है। उसके लिए मैं आपको सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाई भी बताऊंगा और साथ साथ कुछ टिप्स भी दूंगा जो आपके मॉर्निंग इरेक्शन को बिल्कुल ठीक कर देंगे। दोस्तों, एक अच्छा मॉर्निंग इरेक्शन आना हमारे यौन स्वास्थ्य की निशानी है। अगर लगातार मॉर्निंग इरेक्शन मिस हो रहा है या मॉर्निंग इरेक्शन ढीला आ रहा है तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शुरुआत हो सकती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वे 3 कारण हैं जिनकी वजह से आपको मॉर्निंग इरेक्शन में दिक्कत पैदा होती है। सबसे पहला कारण है नर्व डैमेज होना या नर्व खराब होना। इसकी पहचान कैसे करें? अगर आपको अपने प्राइवेट पार्ट में सुन्नपन रहता है या ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुझे प्राइवेट पार्ट है ही नहीं, यानी कि ना होने का एहसास अगर आपको होता है तो ये आपके नर्व की प्रॉब्लम है, जो आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण भी हो सकती है। यानी कि अगर आपकी कमर में कभी चोट लग गई, आपकी डिस्क स्लिप हो गई, तो उस कारण से भी हो सकती है। नंबर 2, अगर आपको डायबिटीज है लंबे समय से तो उसके कारण से भी आपकी नर्व डैमेज हो सकती है। नंबर 3, अगर आपकी पेल्विक फ्लोर मसल कमजोर है तो ये भी नर्व डैमेज की निशानी है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से अगर नर्व डैमेज हुई है तो उसकी सबसे अच्छी दवाई है अर्निका मोंटाना 30 CH। दूसरी होम्योपैथिक दवाई है अर्जेंटम नाइटिकम 30 CH। डायबिटीज अगर आपको है, डायबिटीज की वजह से अगर आपके मॉर्निंग इरेक्शन बंद हो गए हैं तो ऐसे में आपको एसिड फोर्स मदर टिंचर में 10-10 बूंदे दिन में 3 बार लेना चाहिए। पेल्विक फ्लोर मसल आपकी अगर कमजोर है तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको विदानिया मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों, मॉर्निंग इरेक्शन ना होने का दूसरा बड़ा कारण जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ये है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी जेनेटिक भी हो सकती है, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ भी टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है और दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है। तो उसके लिए आपको एक बार जरूर अपना ब्लड टेस्ट करा के अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जाँच कराना चाहिए। नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल 350 से 1000 तक नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है तो ऐसे में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 450 से कम होना सामान्य नहीं है। दोस्तों, अगर इसकी होम्योपैथिक दवाई की बात करें तो सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाई टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने की, इसका नाम है टेस्टिसिकाटी 3X। ये टेबलेट की फॉर्म में आती है। इसको 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार आपको खाना है तो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 2 महीने में ही बूस्ट हो जाएगा और आपकी मॉर्निंग इरेक्शन की समस्या ठीक हो जाएगी। इसकी दूसरी होम्योपैथिक दवाई है ट्रेवुलस मदर टिंचर। ये दवाई भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत जल्दी बूस्ट करती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो तो आप इन दोनों दवाइयों को साथ साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रेवुलस को 10-10 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पीना है। दोस्तों, मॉर्निंग इरेक्शन ना आने का जो तीसरा बड़ा कारण है वह है पेनिस में ब्लड सप्लाई की कमी। अगर आपने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने से अपनी आर्टरी को ख़राब कर लिया है, नसें कमज़ोर हो गई हैं, उनसे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती या नसों के अंदर खून का थक्का जम गया है, या अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो गया है यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका हाई है तो खून गाढ़ा होने से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी चाहे किसी भी वजह से हो, ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए 2 मुख्य होम्योपैथिक दवाइयां हैं। सबसे पहली दवाई है अर्निका मोंटाना 30 CH। अगर आपकी नसों में रगड़ लग जाने के कारण, चोट लग जाने के कारण कोई नुकसान पहुंचा है तो अर्निका मोंटाना उसे रिपेयर करती है। अगर आर्टरी के अंदर कोई ब्लड का थक्का है तो अर्निका मोंटाना उसे रिमूव करती है। अगर आपका ब्लड काफी गाढ़ा हो गया है तो अर्निका मोंटाना ब्लड को पतला करती है। और दूसरी होम्योपैथिक दवाई है स्टेफिस्केरिया। ये भी 30 पोटेंसी में यूज करना है। ये दवाई भी जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपने बचपन में गलत काम किया है, उसकी वजह से आपकी नसें खराब हो गई हैं, तो स्टेफिस्केरिया 30 पोटेंसी में बहुत ही अच्छा काम करेगी। दोस्तों, आप इन दोनों दवाइयों को साथ साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने 3 कारण बताए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमें किस कारण से मॉर्निंग इरेक्शन में कमी है। तो नर्व डैमेज की पहचान तो मैंने आपको बता दी। एक तो सुन्नपन रहेगा, दूसरा प्राइवेट पार्ट न होने का एहसास होगा, या आपको चोट लगी है, या आपको डायबिटीज है तो उससे भी आपको समझ लेना चाहिए कि मुझे इरेक्शन की कमी इसी वजह से हो रही है। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन की कमी का कैसे पता लगाएं, तो उसके लिए हमें जाँच करानी चाहिए। जाँच में बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा कि कमी है या नहीं है। और तीसरा, ब्लड सप्लाई की दिक्कत को कैसे पहचाने। दोस्तों,
दोस्तों इसके लिए एक प्रकार का अल्ट्रासाउंड होता है जिसको पिनाइल डोपलर टेस्ट कहते हैं। तो पिनाइल डोपलर टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारी आर्टरी के अंदर कोई दिक्कत है या नहीं है। दोस्तों अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आता है या मॉर्निंग इरेक्शन कम आता है तो अगर आप होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ दो काम और करते हो तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहला काम है पिनाइल मसाज। आपको जैतून के तेल से या नारियल के तेल से अपने प्राइवेट पार्ट की रोजाना अच्छे से मसाज करनी है। और दूसरा है कीगल एक्सरसाइज। दोस्तों कीगल एक्सरसाइज करने से भी हमारे मॉर्निंग इरेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और केवल मॉर्निंग इरेक्शन ही नहीं, हमारी टोटल सेक्सुअल लाइफ पे कीगल एक्सरसाइज का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। कीगल एक्सरसाइज से हमारी पेल्विक फ्लोर मसल मजबूत होती है, कीगल एक्सरसाइज से ब्लड सप्लाई बढ़ती है, कीगल एक्सरसाइज से प्रोस्टेट संबंधी तमाम तरह की समस्याएं ठीक होती हैं। तो दोस्तों जिसको भी यौन समस्या रहती है उसको जरूर कीगल एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए। तो दोस्तों आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके बीच आया था ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अगर आपके काम आती हैं, अगर आपको इनसे कुछ लाभ मिलता है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया करें। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको मेरा नमस्कार।